डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया ब्लेसिंग और बून के टॉपिक को और हम प्रिपेयर करेंगे जे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए एक ऐसे जी हाँ ये एक ऐसे जो होगा आपका एक ऐसा ऐसे होगा जिसको आप अगर डायरेक्ट एग्जाम में भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं कैसे ऐसे लिखना है अगर टॉपिक हमारा आता है सोशल मीडिया एज ब्लेसिंग और बून अब देखिए कोई भी चीज़ लिखने से पहले किसी भी ऐसे को लिखने से पहले आपको सबसे पहले उसका कोट लिखना होता है तो कोट मैंने इसमें चूज किया है सोशल मीडिया इज नॉट अबाउट द एक्सप्लाइटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बट सर्विस टू द कम्युनिटी मतलब क्या है इसमें दोनों चीज़ें मैंने कवर अप कर ली ब्लेसिंग भी कवर अप कर लिया और बून भी कवर अप कर लिया और इस, इसको किसने के, कहा है साइमन मेन वेरिन ने और इसके बाद अब हम चालू करते हैं अपना टॉपिक जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और मैंने इसमें कहा है कि सोशल मीडिया इज एन एवर इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म दैट हैज चेंज द वे वी विद ईच अदर इट हैज हैज बिकम अ अ ब्लेसिंग और डिपेंडिंग ऑन ऑन हाउ वी चूज टू यूज इट वन हैंड सोशल मीडिया हैल्प्ड अस कनेक्ट विद द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑन द अदर हैंड इट हैज कॉज मेनी नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन आर मेंटल हेल्थ एंड सोशल रिलेशनशिप दिस एस विल एक्सप्लोर द वेरियस वे सोशल मीडिया हैज बीन अ ब्लेसिंग और बोन In our lives, one of the most significant benefits of social media is that it allows people to connect with others from all over the world. With social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram, it has become easier than ever to stay in touch with friends and family who live far. हु लिव फार अवे दीज प्लेटफॉर्म्स अलाउज अस टू शेयर फोटोज वीडियोज एंड मैसेजेस विद आवर लव्ड वंस रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अस और उसके बाद मैंने लिखा है कि सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो अलाउड अस टू फॉर्म ऑनलाइन कम्युनिटीज विद पीपल हु शेयर सिमिलर इन इंटरेस्ट और एक्सपीरियंसिस दिस कम्युनिटीज कैन भी इंक्रेडिबली सपोर्टिव एंड हेल्प पीपल फील लेस आइसोलेटेड अनदर सिग्निफिकेंट एडवाटेज ऑफ सोशल मीडिया इज़ दैट इट हैज Given people a voice. In the past, the only way to share your op opinion with a large audience was to write a letter to the editor. Of a newspaper or to publish a book. With social media, however, anyone can share their thoughts and opinions with the world. This has led to a democratization of information and has given a platform to people who may have been marginalized in the past. Social media has also been a boon for businesses, with social media marketing companies can reach a large audience at a relatively low cost. Social media platforms like Facebook and Instagram offer sophisticated

तो हैंडमेड टेक्सटाइल्स वाली जो छोटी छोटी हैं या फिर है, वो अपने प्लेटफॉर्म अपने अपना एक हैंडल बना सकते हैं या अकाउंट बना सकते हैं जो स्पेसिफिक जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक अपना जो प्रोडक्ट है वो अपना मार्केट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो खरीद सकें नेक्स्ट हम लिखेंगे दिस हैज़ मेड इट ईजियर फॉर स्मॉलर बिजनेस टू कम्पीट विद लार्जर कंपनीज एंड हैज़ क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंथ्रोप्रीमियर्स हाउ एवर सोशल मीडिया ऑल्सो हैज़ इट्स डिसएडवाटेज़ मतलब क्या है अभी तक हम हम सिर्फ सोशल मीडिया की ब्लेसिंग बता रहे थे बट अब हम बून बना बताएंगे या फिर डिसएडवाटेजेस बताएंगे सोशल मीडिया के क्या नुकसान है इसमें नुकसान आएंगे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसर्न इज दैट इट इज द इंपैक्ट इट हैज ऑन मेल्टन हेल्थ मतलब हमारे जो मानसिक हेल्थ है उस पे बहुत बड़ा कंसर्न uh, है इसका स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन लीड टू एंजाइटी डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब क्या है कि स्टडीज़ ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो मास मीडिया होता है वो हमारे सोशल मीडिया जो होता है वो एंगजाइटी और डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ कर सकता है हमारे हेल्थ पे नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो बात करें सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ बिकमिंगली बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन एंड पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम स्क्रोलिंग देयर फीड्स देन इंटरेक्टिंग विद रियल वर्ल्ड मतलब क्या है? लोग अपना जो है रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट होने से बजाय अपना जो टाइम जो है स्क्रोल अपने स्क्रीन पे स्क्रोल करने पे इंस्टाग्राम के पोस्ट देखने में फेसबुक के अपने जो कमेंट्स पढ़ने में उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं दिस कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस आइसोलेशन एंड फोमो मतलब क्या है ये एक फीलिंग कर सकता है आइसोलेशन की लोनलीनेस की और फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट की नेक्स्ट अगर हम बात करें अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज़ द स्प्रेड ऑफ़ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ मतलब क्या है दूसरा दूसरा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का कि इससे बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत इंस्टेंट में फैलता है जी हाँ नेक्स्ट हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बिकमिंग अब हैव बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कंस्पिरेसी थ्योरीज एंड फेक न्यूज स्टोरीज मतलब क्या जैसे आप कई बार रायट्स देखते हैं वो अक्सर फेक न्यूज़ की वजह से होते हैं तो वही सोशल का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें कोई आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अगर कोई मैसेज या या फिर फिर वीडियो लीक हो गया या फिर फैल गया तो वो फैलता ही जाएगा उसका कोई restriction का कोई रिस्ट्रिक्शन का है ही नहीं कहीं एक काउंटर नहीं है रिस्ट्रिक्शन के लिए फिर उसके बाद दी स्टोरीज कैन स्प्रेड रैपिडली थ्रू सोशल मीडिया एंड इट कैन बी अ चैलेंज टू सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन फिर आप चाहे कितने भी फैक्ट्स आप कर दें और फिक्शन जो एक्चुअल में है उससे आप कितना भी आप करते हैं वो सब फॉल्स लोग अक्सर बिलीव करते हैं और उसके बाद जो सोशल मीडिया ट्रायल्स होते हैं कि किसी को पहले ही गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है चाहे हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने उसको गिल्टी कहा भी ना हो और यही सेम चीज़ हमारे डी वाई चंद्रचूड़ साहब जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया सोशल मीडिया को कंट्रोल करना या फिर उस पर जो फेक न्यूज़ फैल रही है उसको कंट्रोल करना द स्प्रेड ऑफ़ फेक फेक न्यूज़ कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस एज इट कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन एंड एक्शंस मतलब क्या एक पूरा पूरा ग्रुप जो है किसी एक सर्टन कम्युनिटी या फिर सर्टन सेक्शन के लिए एकदम से अगेंस्ट हो जाएगा यार ये गलत होते हैं नहीं वैसा नहीं होता कि एक दो स्पेसिफिक लोगों की वजह से पूरी किसी कम्युनिटी को गलत कहना गलत होता है और फेक न्यूज़ इसी का जो एक एक कम्युनिटी सर्टेन सेक्शन को कहेंगे और पूरा एक पूरी कम्युनिटी को गलत ठहरा देते हैं फेक न्यूज़ में नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस फॉर अ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा एंड दिस डाटा कैन बी यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और सोल्ड टू थर्ड पार्टी कंपनीज तो मतलब क्या है जैसे देखिए आप कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो एक अपने जितने यूजर्स उनका डाटा चूज कर लेती हैं और कलेक्ट कर लेती हैं और वो किसी थर्ड पार्टी को बेच देती हैं कि यार इन इसका ये इंटरेस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट को मैनिपुलेट किया जाता है एज पर रिपोर्ट्स तो ये चीज़ भी होती है सोशल मीडिया में फिर उसके बाद आप लिखेंगे देर हैव ऑल्सो बीन न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ डाटा ब्रिचिज एंड साइबर अटैक्स विच हैव एक्सपोज पीपल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब गाइज ये मैंने आपसे पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस कर लिया नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस कर लिया अब हम करेंगे कंक्लूड कंक्लूड हमेशा पॉजिटिव वे में करना है जिसका मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे आपको करना है इन कंक्लूजन सोशल मीडिया हैज बीन अ ब्लेसिंग और अ बून डिपेंडिंग ऑन हाउ वी चूज इट इट हैज अलाउड अस टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गिवन अस एडवाइस एंड क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस हाउएवर इट हैज आल्सो लेड अ इल्सो हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन अर मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस फॉर आर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट सोशल मीडिया कंटिन्यूज टू बी अ ब्लेसिंग वी नीड टू यूज इट रिस्पॉन्सिबिली एंड बी अवेयर ऑफ इट्स पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब क्या हमें एक जो बहुत ज्यादा उसकी ब्लेसिंग का कंसिडर करने के लिए उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना चाहिए और उसके जो पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए मतलब हमें एक रियल वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करना चाहिए ये नहीं कि हम अपने दूर के रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करने के चक्कर में अपने जो क्लोज वाले हैं उनको भूल जाएँ और जो रियल वर्ल्ड फन है उसको भूल जाए अपने फेक डोपामाइन रिलीज जी हाँ डोपामाइन रिलीज़ एक्चुअल में रिलीज़ होता है जब ये जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर या फिर फ़ोन पर टाइम स्पें स्पेंड करते हैं तो गाइज़ ये चीज़ें हो गई जिसमें मैंने आपसे प्लस पॉइंट्स भी बता दिए नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए अगर आपको मेरा ऐसे पसंद आया हो तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बनाऊं तो उसके बारे में भी, भी आप लिख सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके लिए वैसा ही उसी टॉपिक के, के लिए ऐसे ला पाऊँ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आपके लिए जो जे सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम है जिसकी हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए अच्छे से तैयारी करवा पाऊं और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपना सिलेक्शन श्योर कर पाए इस पोस्ट के लिए यह था आज का वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग